हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी का छुट्टी में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो आप लोग मेहनत कर रहे होंगे CDS एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें, कोई हवाबाजी है तुकबाजी ना करें। 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। आपको UPSC का पेपर देना है और UPSC का पेपर कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है और आप बेवकूफ़ी करोगे बैठोगे, ठीक है ना? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे है ना, खिचड़ी बन जाएगी, कुछ भी क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए 4-5 सब्जेक्ट को पकड़े अच्छे से, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ 4-5 पढ़े, अगर आप 4-5 को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो कि आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको आ रहा है, तभी आगे वाली बुक्स पढ़े, ठीक है ना? मैं भी ऐसे ही करता था। पहले मैं एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था, फिर दूसरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था, फिर तीसरी बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था, फिर तीनों बुक का रिविजन करता था एक साथ, ठीक है ना? फिर जब मुझे लग जाता था हाँ मेरी 3 बुक पक्की हो चुकी हैं, तब मैं चौथे बुक पे जाता था, ठीक है ना? और फिर जब 4th बुक को करता था फिर मैं 4 बुक का एक साथ रिविजन करता था। तो इससे क्या होता था कि आपकी क्योंकि श्योरिटी बढ़ती रहेगी हमेशा एग्जाम को क्लियर करने की, ठीक है ना? बाकी जिन लोगों ने मेरी अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो मेरी वीडियोज़ आके देख लें। मैंने पहले भी बताया एडवांस मैथमेटिक्स का मैंने एक लेक्चर डाला है अभी, जिसमें मैंने हल्का सा बेसिक बताया, और बेसिक जरूरी हो जाती है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, ठीक है ना? बायोलॉजी के मैंने अभी तक 4 लेक्चर डाल चुके हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही है, अनुसार बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है ना? आप बकवास चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। अभी मैं आगे जब बायोलॉजी में हम न्यूट्रिशन वगैरह हर चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को यही बेसिक इतनी हेल्प करेंगे कि आपको वो चीज़ें वो चैप्टर छोटे छोटे लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? तो बेस पहले जो आपका घर बनाते हो, क्या बनाते हो? घर बनाते हो, तो नीचे का जो आपका बेस बनता है ना, उस बेस में कितना लगता है? टाइम लगता है। पहला आप क्या करते हो, बेस डालते हो, फिर उसमें मिट्टी डाल के कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हो। क्या करते हो? कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हो। फिर जब फिर जाते हो, फिर बेस में अच्छी तरीके से क्या करते हो, उसकी मरम्मत करते हो, उस बेस को देखते हो कहीं से कुछ लेना देना तो नहीं है, है ना? और क्यों? क्योंकि अगर बेस मजबूत नहीं होना तो जो उसके ऊपर आप जो डंडे खड़े करने वाले हो, घर खड़ा करने वाला हो, नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए बेस, इस बात को लॉजिकल समझे, नेचर वाइज ही समझे, है ना? तो बेस को मजबूत करना ठीक रहता है, ताकि आपको जो आगे आने वाली चीज़ें रहें वो हो रहे, ठीक है ना? तो एडवांस मैथमेटिक्स का एक लेक्चर डाल दिया, बायोलॉजी के मैंने 4 लेक्चर डाल दिए हैं अभी तक, और डेली हार्ड करेंट जो मैं डेली हार्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज चला रहा हूँ। बेसिकली मैंने बोला था कि वो डेली हार्ड क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है, ठीक है ना? जो भी CDS की तैयारी कर रहा है और स्पेशली लड़के, क्योंकि लड़के IMA और एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और जिनका सपना है, सीरियसली ड्रीम है कि वो CDS के थ्रू SSB देने जाएं और एक ऑफिसर बने, तो उनको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इससे उनको क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं उसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे हेल्प करेंगे, ठीक है ना? और कुछ कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सीरियसली कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बनना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, ठीक है ना? क्या नहीं मिलती है? प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। मैं खुद इस गाइडेंस की वजह से 2 बार CDS के एग्जाम में फेल हुआ हूँ, जो मेरे शुरू के अटैम्प्ट थे। 2015 के जो मेरे अटैम्प्ट थे उसमें मैं फेल हो गया था, ठीक है ना? 2015 का मेरे पहले वाले, हाँ 2015 के जो मेरे अटैम्प्ट थे उसमें फेल था। क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दिया। और कुछ लोग जो जिनका क्या करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं निकालता है ना, उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, तो उसकी गलती ये है, बेफालतू की चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना, स्ट्रेटेजी नहीं होने की, पढ़ना क्या है और कैसे चीज़ें पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर की बात करूँगा तो चलो मैं आपको एक दिन न्यूज़पेपर भी बताऊँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं और अपने आप को SSB के लिए कैसे प्रिपेयर करें एक्चुअली में, है ना? हम बोलते तो हैं कि भाई जाके वहाँ लेक्चरेट दे दो, GD दे दो, ये दे दो, आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, उतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन उसको प्रिपेयर कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये वीडियो इंग्लिश के जो लेक्चर थे वो अभिषेक सर बना रहे थे, है ना? लेकिन कुछ कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सीरियसली सम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं दिल से पेपर क्लियर करना, और दिल उनका पेपर क्लियर करने के लिए जो जो भी चीज़ हमसे मुझसे स्पेशली मुझसे जो पॉसिबल हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है ना? फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो कुछ भी आप मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं तो 9045844523 स्पेशली प्लीज़, जो भी अब करेगा, जो नेक्स्ट नंबर पे मैसेज करेगा या बात करेगा, कुछ भी क्वेरी होगी तो वो प्लीज़ FCAT के कट ऑफ से रिलेटेड मत करना मुझसे, ठीक है ना? FCAT की कट ऑफ से रिलेटेड मत करना,
स्ट्रेटजी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के, हम जो चलते हैं कि स्टेप वाइज स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं बुक पढ़नी चाहिए, वो सब जाके आप मेरी स्ट्रेटजी, मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं, वीडियोस में जाके चेक कर लीजिए रिसेंटली कौन कौन सी वीडियो अपडेट हुई हैं, उनको जाके देख लीजिए, ठीक है ना। कट ऑफ एफकेट की कट ऑफ से रिलेटेड कोई मैसेज नहीं करेगा। अगर आप मुझे तभी भी सम कोई ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप में बात करने से घबराते हैं या उनको डर होता है कुछ भी, ठीक है ना, तो या अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा anuj1234josi@gmail.com है, ठीक है ना, ये मेरा ईमेल एड्रेस आप कर सकते हैं। और इस बात को समझें, ठीक है ना, रोज़ मोटिवेशन कोई नहीं देगा दोस्तों, मैं भी इतना अभी सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, अदरवाइज मैं इतनी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन, द हार्डर यू वर्क द मोर अपॉर्चुनिटीज, सो जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतनी सारी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश सिर्फ सीडीएस के लिए मत पढ़ो, ठीक है ना भाई, इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि आपके कोई भी एग्जाम में बैठो आप तो आपको क्या हो, बेनिफिट हो। उसी तरह जीएस को इस तरह से दिल से पढ़ो, लॉजिक पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ी थी बायोलॉजी पढ़ी, तो मैंने ऐसे नहीं पढ़ी कि सिर्फ सीडीएस का पेपर कराएंगे, थोड़ी सी पढ़ ली मैंने, ऐसे पढ़ी कि कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे तो मुझे चीज़ें आए, ठीक है ना। तो इसी तरह से बोल रहा हूँ, तो हार्डवर्क करते रहें और मेहनत करते रहें, और वो ना बने ब्लाइंड फॉलोअर ना बने, मैंने पहले ही बोला है ब्लाइंड फॉलोवर ना बने किसी को, जिसको ही फॉलो करें अच्छे तरीके से फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए पीपीटी वगैरह या पीडीएफ वगैरह कोई भी कुछ भी बना सकूं, ठीक है ना। मेरे पास, मैंने ऑलरेडी बोला कि टाइपिस्ट नहीं है और मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को टाइप कर सकूँ चीज़ों को, तो मैं जैसे भी पॉसिबल हो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और चीज़ों को समझें। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ जीएस के आप रट्टा मार के इसको याद कर लोगे और वही चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है ना। जीएस इज अ काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल 76 किया है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है ना। इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोगों को क्या रट्टा मारे हुए, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आप कुछ बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, वहाँ पे कॉन्सेप्ट का लेना देना होता है, लेकिन मोस्टली जो जीएस है वो क्या आपकी एक रट्टाफिकेशन होती है। और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसमें आपका सेंस बहुत ज़्यादा यूज होगा, इस बात को समझें, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा कि आप सीधे पहले प्रोनाउन पढ़ रहे हो, फिर अगली बार आप टेंस पढ़ रहे हो, फिर अगली बार आप कंजक्शन पढ़ रहे हो, अगली बार आप कंडीशनर पढ़ रहे हो। इसके साथ हमको एक सीरीज के साथ चलना है ताकि आपका सेंस बनता रहे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंग्लिश में, वो करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में देखेंगे कि रियल में जो इंग्लिश में है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का जो हिस्सा आता है, देखिए भाई मैं इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप बुक से पढ़ सकते हो वो सब चीजें, मैं वो बताऊंगा जो आपको बुक में जो सेंस नहीं मिल रहा मैं वो सेंस आपको यहाँ पे दूंगा, इस बात को समझना। नाउन, नाउन आप जानते हो कि क्या होती है, संज्ञा होती है, कोई भी नाम प्लेस थिंग वो सब क्या होती है, आपकी नाउन होती है। तो बेसिकली नाउन मतलब मैं संज्ञा हो गई, और ये नाउन होते क्या है भाई, नाउन क्या हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन आपके प्रीपोजिशंस हो सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर आपके हो सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कई लोग सोच रहे होंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, बहुत सारे लोग देखकर सोच रहे होंगे यहाँ पे, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे नहीं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बताऊंगा बहुत कुछ। तो जो नाउन हो सकते हैं, नाउन क्या क्या हो सकते हैं भाई, सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सब अभी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई नाउन जो होते हैं है ना, जो बेसिकली जो नाउन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आपके पाँच टाइप के नाउन होते हैं। कितने टाइप के नाउन होते हैं, पाँच टाइप के नाउन होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जिसमें आपको परफेक्टली पता चल रहा होगा किसके बारे में बात हो रही है। जैसे राजेश, यहाँ पे क्या देखें, राजेश और सुनीता, राजेश सुनीता अनीता, ठीक है ना, और रामू, रामू काका जो भी है, रामू काका, तो ये क्या प्रॉपर नाउन होते हैं जिसमें हमको डायरेक्टली क्या पता चल रहा है। देखो राजेश तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर की तरह प्रॉपर पता चल रहा है, तो क्या है राजेश के बारे में बता रहा है, तो राजेश आपको प्रॉपर है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर आता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होते हैं बॉयज गर्ल्स इस टाइप के, ठीक है ना भाई, बॉयज और गर्ल्स, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। इसमें जैसे मैंने बोल दिया बॉयज, ऑल द बॉयज, तो ऑल द सारे बॉयज क्या होगा कॉमन, क्योंकि बॉयज तो आपको एकदम परफेक्ट वन ही है ना, ये ग्रुप उसमें आ गया, मतलब कि कॉमन टर्म्स यूज करते हैं हम, ठीक है ना।
अब आते हैं कॉमन की बात आती है आपकी कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब था किसी चीज का कलेक्शन होना भाई, जिसमें हम क्या करते हैं कलेक्शन लेके चलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया टीम, टीम क्या होता है बहुत सारे लोगों का एक झुंड हो गया, जो क्या है कलेक्टिव नाउन है, कलेक्ट करके रखा हुआ। जैसे स्कूल, स्कूल भी क्या है भाई, स्कूल में बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। बीवी, बीवी क्या हुआ भाई, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ठीक है भाई, बीवी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो बीवी हो गया। जूरी हो गया, बोलते हैं ना जूरी बैठ गई, तो दैट्स अ कलेक्टिव नाउन जिसमें कलेक्शन आ रहा है किसी भी चीज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो अपना सेंस बना के रखे, ठीक है ना, कि क्या है। अभी देखना धीरे धीरे जब चीजें जुड़ती रहेंगी तब आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो कलेक्टिव मतलब हो गया टीम, स्कूल, बीवी, जूरी, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट, फिर आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो भाई अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ, अब्स्ट्रैक्ट की आपको मीनिंग समझा दूँ, तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इमेजिनरी। क्या होता है इमेजिनरी, मतलब कुछ इमेजिनेशन वाली चीजें। अब हम बात करते हैं इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैंने नाउन क्या बोला भाई, जो संज्ञा होती है, कोई प्लेस होती है, कोई चीज होती है ना, किसी थिंग का नेम हो गया। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसी चीजें जो इमेजिनरी में हो लेकिन हो, तो वो आ गया जैसे आपका लव, हेट। ये क्या होती है भाई, लव आपको दिखता है क्या, नहीं। लव कोई चीज है, नहीं। बस लव क्या होता है, एक फीलिंग है ना, जो हम दिखाते हैं, मतलब कि हाँ मैं आई लव यू या समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो क्या है, इमेजिनेशन नाउन है। ये क्या है, इमेजिनेशन। ब्रेवरी, अब बोलते हैं ना अभी तो फट्टू है यार, है ना, ये बहादुर है बहुत ज्यादा, तो फट्टू और बहादुर होने में भाई कावर्ड, ठीक है ना। इस तरह की जो चीजें हो गई वो क्या होती है आपकी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इमेजिनेशन वाली चीजें होती है, जैसे लव, हेट। होप सो आप लोगों को समझ आ रहे हो इस बात को मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब बात करते हैं पांचवा जो नाउन होता है वो है मटेरियल नाउन। क्या होता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है दोस्तों, जो हम क्या करते हैं किसी चीज को बेसिक एलिमेंट की तरह, बेसिकली बोलो जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स की तरह हम क्या करते हैं, यूज करते हैं जिन्हें। जैसे हो गया कॉफी, है ना, प्लास्टिक और स्टोन, स्टोन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स्टोन, दिस ऑल आर द बेसिक एलिमेंट, और ये काउंटेबल नहीं जब तक ये, देखो भाई अच्छा वो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, काउंटेबल नॉन अनकाउंटेबल वो हम बारे में बात करेंगे। बस इसको याद रखना, जो मटेरियल ना होते हैं वो बेसिक एलिमेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे कॉफी, प्लास्टिक, स्टोन, है ना, जो भी चीजें हम क्या करते हैं, मटेरियल होते हैं जो चीजें, है ना। मटेरियल तो आप जानते हो, जैसे आपके पास कोई बुक होगी, बुक क्या है भाई, बुक हो गई आपकी, नाउन तो गई, लेकिन कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन, बेसिक एलिमेंट की तरफ यूज कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग आपको पता चल गया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इमेजिनरी, जो इमेजिनेशन में जो चीजें चलती हैं। ओके, इतनी बात समझ आ गई आपको भाई। अब कुछ बातें समझे इस चीज में, यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने बोला हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ब्रिक्स एंड, ये जो घर बना है। तो आप पहले मेरी बात समझे, आज से आप जो इंग्लिश पढ़ोगे उसका रट्टाफिकेशन कोई नहीं करेगा, ये रूल होता है वो रूल होता है, कोई नहीं करेगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच डिपेंड ऑन योर सेंस। मैंने आपको पहले भी बोला था, पीके मूवी देखी होगी, अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, तीनों एक ही है लेकिन क्या है, सेंस अलग अलग है। तो उसी तरह इंग्लिश में जो चीजें हम बोल रहे हैं वो उसमें भी क्या है, सेंस है। यहाँ पे क्या है, दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, जो ये घर बना है वो ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे मेरी बात समझे भाई, जो ये ब्रिक्स और स्टोन्स है, ये क्या है, ब्रिक्स और स्टोन है, ये क्या है, देखिए भाई ये क्या है, बेसिक एलिमेंट, क्या है, ये एक बेसिक एलिमेंट है। और बेसिक एलिमेंट में यू आर नॉट अब श्योर नहीं हो कि ये क्या काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है ना। बस बोला ब्रिक्स से बना है, अब कितनी ब्रिक्स से बना है, नो आर नॉट श्योर, है ना। जितने स्टोन्स है वो भी आपको पता नहीं है, लेकिन ये क्या है, जो बेसिक एलिमेंट है, क्या है, ये बेसिक एलिमेंट है। और ये क्या हो जाती है, प्लूरल फॉर्म में इन्हें, प्लूरल फॉर्म में इन्हें नहीं लिया जाता, किसमें नहीं लिया जाता, प्लूरल फॉर्म में इन्हें नहीं लिया जाता। तो जो करेक्ट फॉर्म आएगी वो आएगी, क्या आएगी, जो मटेरियल, ये एक चीज बात को याद रखना, अभी अपनी कॉपी पे लिख लो, जो भी मटेरियल आऊंगा बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि क्या है, तो आप प्लूरल फॉर्म में उसे नहीं लेंगे। जितने भी मटेरियल वाले चीजें होंगी, ठीक है ना, मटेरियल नाउन होंगे, उसे आप क्या कंसीडर नहीं करेंगे, और जितने भी मटेरियल लाउंगे उन्हें क्या करेंगे भाई, प्लूरल फॉर्म में नहीं लेंगे। बेसिकली बोलने का मतलब है, इनको हम क्या नहीं करेंगे,
अब कॉफी में बोलूं, कॉफी कितनी कॉफी, 1 चम्मच कॉफी, 2 चम्मच कॉफी, क्या पता 1 चम्मच कॉफी रही हो, क्या पता 2 चम्मच कॉफी रही हो, 2 कॉफी रही तो काउंटेबल है, 1 चम्मच रही तो काउंटेबल, अब मैंने कॉफी बोल दिया तो दैट्स अनकाउंटेबल, तो यू आर नॉट श्योर दैट कि कितनी कॉफी थी, आप उसके बारे में नहीं हो, तो इसे आप एज नॉट कंसिडर्ड, मैं लिख देता हूँ, इसे कंसिडर ना करो, कैसे काउंटेबल, इसे काउंटेबल कंसिडर नहीं करना, काउंटेबल वो चीजें होती हैं जिसको आप गिन सको, ठीक है ना, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगी, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एस होना चाहिए था कैंसल पीछे से, तो ये आएगा दिस हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर से बना है, ठीक है ना, इस तरह की बातें समझे मेरी। दूसरी चीज है, दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, होप सो अगर बात आती है, लेकिन कुछ लोगों को अभी कंफ्यूजन होगा तो मैं उसके लिख लेता हूँ, टू ब्रिक्स आर और लाइंग ऑन रोड, 2 ब्रिक्स, ये क्या है भाई, टू यहाँ पे क्या हो गया भाई, आपको पता ही है कि जब भी आपने बचपन से पढ़ते वाला एक से ज्यादा जो हो गया वो क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है और ये काउंटेबल भी है, ये क्या है, कितनी ब्रिक्स है भाई, 2 ब्रिक्स, काउंटेबल है कि नहीं है, आप 2 ब्रिक को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, 1 ब्रिक 2 ब्रिक, तो ये क्या है, जो 2 है वो क्या है, काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल, इसे आप गिन सकते हो, और काउंटेबल किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, काउंटेबल प्लूरल फॉर्म में है, कितनी है, 2 है, तो एक से जो ज्यादा 2 थे वो क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है ना, प्लूरल होगी तो यहाँ पे ब्रिक्स आएगा, क्या आएगा, ब्रिक नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रिक्स आएगा, तो ये बिल्कुल सही है, समझ गए ना, काउंटेबल यहाँ पे जो चीज कर रहे थे, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि कितनी ब्रिक है आपके पास, तो इसे हम काउंटेबल कंसिडर नहीं करेंगे, मेटीरियल नाउन को आप तब तक काउंटेबल कंसिडर नहीं करेंगे जब तक आपको दिया ना गया हो, और मेटीरियल काउंटेबल ना होने के कारण इन पे आप SS नहीं लगाओगे, मतलब इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं ले जाओगे, अंटिल अनलेस जब तक आपको क्या ना बताएगा कि ये काउंटेबल है कि नहीं है, बातों को ध्यान से समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है, काउंटेबल है तो प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इसे कहेंगे ब्रिक्स, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रिक्स ईंट का आ गया, ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्ब की, किसकी बात करते हैं भाई, हम वर्ब की, वर्ब आधे ज्यादा लोगों को तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रह ही रहता है कि जो लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हैं, कहते हैं हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है ना, तो उन कोई बात नहीं, उनके लिए हम सहर मैं मेरे से जितना भी पॉसिबिलिटी होगी, मुझे जितना भी नॉलेज है मैं उस सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया, क्रिया का मतलब हो गया एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम, एक्शन का मतलब कोई काम करना, क्या काम करना, कोई भी काम करना, अभी मैं आपको ढंग से बताऊंगा, ठीक है, वर्ब का मतलब क्या, क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन, एक्शन मतलब कोई भी काम करना, कोई भी काम करना, जो भी काम हो रहा हो, काम करना या काम हो रहा हो, वो क्या है, वर्ब है, ठीक है भाई, अब देखिए जैसे यहां देखिए, अभी बताता हूं, जैसे आ गया राधिका वॉज स्टडिंग इंग्लिश At AG Today, at AG Today Institute. ए राधिका जो लड़की है, अब देखिए was, was से पता चल गया, तो वो तो tenses की बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बस देख रहे हैं कि भाई English language में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं deep तरीके से, है ना, part of speech, part of speech मतलब कि जो speech के क्या क्या parts होते हैं वो हम discuss कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में तो हम पूरे डीप से एक एक चैप्टर को खंगाल देंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन अभी जो चीज है बस अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करें कि स्पीच में जो यूज होने वाली चीजें वो क्या क्या यूज होती हैं, तो नाउन देख लिया, वर्ब होती है, वर्ब मतलब एक्शन, कोई काम करना या कोई काम हो रहा हो, तो राधिका वॉज स्टडिंग इंग्लिश एट AG Today, तो यहाँ पे एट का तो छोड़ो अभी, दैट्स अभी हम बाद में बात करेंगे उस चीज के बारे में, राधिका वॉज, वॉज क्या हो गई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या कर रही है भाई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हमें बता रही है कि कौन से टेंस में बात जा रही थी, ठीक है ना, पढ़ाई कर रही थी, अब देखे राधिका पढ़ रही थी, यहाँ पे क्या था, स्टडिंग, स्टडी मतलब पढ़ना, सब जानते हैं, इतने तो सभी जानते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ रही थी, है ना, राधिका इंग्लिश पढ़ रही थी AG Today इंस्टीट्यूट में, ठीक है, नहीं उसका पूरा जो अगर मैं इसका हिंदी वर्जन बनाऊँ तो वो पढ़ रहा है, राधिका इंग्लिश पढ़ रही थी AG Today इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे जो राधिका है वो क्या कर रही थी भाई, काम क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, क्या कर रही थी भाई, वो पढ़ रही थी,
तो ये क्या जो जो स्टडी पूछूं भाई क्या कर रही थी राधिका, तो आप बोलोगे पढ़ रही थी। तो क्या पढ़ रही थी? इंग्लिश पढ़ रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई राधिका क्या कर रही थी, आप बोलोगे राधिका पढ़ रही थी इंग्लिश। तो काम क्या है इसमें? पढ़ना। काम क्या है? पढ़ना। तो ये जो काम हो गया वो क्या होगी? मेन वर्ब। ये क्या होगा? मेन वर्ब। तो अब पता चल जाओगे कि वर्ब कैसे निकालते हैं। पढ़ रही थी, कर रही थी, है ना, कुछ भी काम करना। खाना क्या मैं बोलूंगा? राधिका वॉज ईटिंग। तो क्या कर रही थी भाई राधिका? खाना खा रही थी। तो खाना खाना क्या है? देखो खाना 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 क्या है? वर्ब, ठीक है ना। इसी तरह मैं बता रहा हूँ आपको क्या है कि अपना सेंस लगा करके, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है वो सब सीखेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके बिना हार्ड वर्क के आपको बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना। और जो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो दूसरों से ज्यादा करनी पड़ेगी। तो समझ गए यहाँ पे? राधिका वॉज स्टडिंग। स्टडिंग मतलब काम क्या हो रहा है आपका? स्टडिंग हो रहा है। तो मेन वर्ब आपकी स्टडिंग हो गई, ठीक है ना। अब देखिए भाई ये समझ गए, और ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, एक चीज समझो, अभी वाली बात समझना कि जब वर्ब के बाद, वर्ब के बाद मैं व्हाट या हुम से पूछूं, मैं व्हाट और हुम से पूछूं, ठीक है ना। वर्ब का मतलब, वर्ब का उत्तर मतलब, अगर मैं बोलूंगा भाई वर्ब का आंसर, अभी मेरी बात समझना, ठीक है ना। वर्ब का आंसर मैं अगर व्हाट और हुम से पूछूं तो जो आंसर आए, ठीक है ना, वर्ब के बाद व्हाट हुम का आंसर जो आएगा वही क्या होगी? आपकी ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। अब कैसे होगी भाई? राधिका पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? व्हाट। अब देखो मेरी बात समझना, राधिका, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, राधिका वॉज स्टडिंग व्हाट। मैंने यहाँ पे व्हाट लगा दिया, राधिका वॉज स्टडिंग, राधिका पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रही थी ना, तो इंग्लिश क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, है ना। राधिका वॉज स्टडिंग, अब मैं स्टडिंग का सवाल पूछा मैंने कि क्या पढ़ रही थी भाई वो, इंग्लिश पढ़ रही थी, तो इंग्लिश क्या हो गई? उसकी ऑब्जेक्ट हो गई। बात समझ आई कि नहीं आई? अब सो समझ आएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। साक्षी लाइक्स अनिरुद्ध, अनिरुद्ध भाई। अब साक्षी जो है वो किसी लड़का है, कोई लड़का है, अनिरुद्ध उसको पसंद करती है। क्या करती है? साक्षी पसंद करती है किसको? अनिरुद्ध को। करती कि नहीं पड़ती भाई? समझ आ रही है? तो यहाँ पे इसे मैंने क्या पूछा? व्हाट और हुम। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये क्या हो गई आपकी वर्ब, ये क्या हो गई? वर्ब। मैंने वर्ब क्या बोली? पसंद करना। कि साक्षी क्या कर रही है भाई? पसंद कर रही है किसको? अनिरुद्ध को। तो क्या कर रही है? काम क्या हो रहा है यहाँ पे? वर्ब। तो लाइक्स, तो लाइक्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। लाइक्स क्या हो गई यहाँ पे? क्या हो गई? वर्ब हो गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है मेरी? तो लाइक्स क्या हो गई यहाँ पे? वर्ब हो गई। तो साक्षी लाइक्स हुम, किसको पसंद कर रही है भाई? किसको पसंद कर रही है? हुम। किसको? साक्षी लाइक हुम। मैंने क्वेश्चन पुट अप किया, साक्षी लाइक्स हुम, तो आपका आंसर आया अनिरुद्ध को कर रही है भाई। किसको कर रही है? अनिरुद्ध को कर रही है सर। तो अनिरुद्ध को कर रही है, तो भाई जो साक्षी ने किसको पसंद किया? अनिरुद्ध को पसंद किया। तो अनिरुद्ध क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट हो गया। जब मैंने हुम का सवाल पूछा आप लोगों से, मैंने कहा साक्षी किसको पसंद कर रही है, तो आपने बोला अनिरुद्ध को पसंद कर रही है। तो यहाँ पे क्या आ गया? अनिरुद्ध क्या बन गया? जब मैंने सवाल पूछा हूँ तो आपने उत्तर दिया ऑब्जेक्ट, मतलब जो अनिरुद्ध, तो अनिरुद्ध क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना भाई। तो पसंद कौन कर रहा है? अब यहीं से देखिए, साक्षी लाइक्स अनिरुद्ध। तो यहाँ पे जो भाई पसंद कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है आपका साक्षी कर रही है। तो साक्षी क्योंकि डूअर, ये करना काम करने वाला, जो काम कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये क्या हो गई आपकी डूअर। डूअर क्या होते हैं? हमेशा सब्जेक्ट, जो करते हैं काम, ठीक है ना, डूअर। ये हो गई आपकी वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने कहा कैसे निकलते हैं? जब वर्ब में आप व्हाट और हुम का सवाल पूछते हैं तो जो उत्तर आता है आपका वो क्या हो जाता है? आपकी ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई मेरी, है ना, समझ गए? अब सब्जेक्ट क्या होगा और वो क्या होगा। ओके, अब भाई एक इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है ना, इस बात को जरा समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे? जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन,
अभी मैं आपको प्रोनाउन बताऊंगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। अभी तो बस सिर्फ हम पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी वो तो हम डीप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। बस अभी हम समझ रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्या क्या होता है। तो वो जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा भाई, क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होंगे, नाउन और प्रोनाउन ही होंगे। देखिए भाई, साक्षी क्या है यहाँ पे, नाउन है। क्या है, नाउन। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, अब जरा सा अपनी कॉपी का पन्ना ऊपर ले जाइए और बोलिए, बताइए प्रॉपर नाउन। मैंने बताया कि ना, नाम एकदम परफेक्ट नाम मिल रहा है यहाँ पे। क्या मिल रहा है, परफेक्ट नाम मिल रहा है। और जब परफेक्ट नाम मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो साक्षी थी भाई, कौन थी, साक्षी थी, और अनुरुद्ध भी क्या भाई, नाउन है। तो यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, नाउन, और जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, नाउन। जिन लोगों ने आपको ये बोला है कि सब्जेक्ट हमेशा फर्स्ट में आएगा, वो कहना गलत है मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहला वाला वर्ड हो। अगर आपने रट्टा मारा हुआ है तो आप हमेशा सोचोगे जो कि जो पहली वाली चीज है वही हमेशा क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। तो ये कहना गलत है, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। बाद में जब हम डिस्कस करेंगे ना, आगे जब हम अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट भाई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पहले पहला ही नंबर पे जो चीज हो वो हमेशा क्या हो, सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। इस चीज को ऐसा ना लिखें। तो अभी हम बात करेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट जो होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा भाई, याद रखना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होंगे, अपनी कॉपी पे नोट करते रहें, ठीक है। उसी तरह से होते हैं, एक होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा भाई, क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा, उसके भी जो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के जो प्रीपोजिशन, देखो भाई इस बात को ऐसा समझे, जो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होते हैं वो बनते हैं प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा भाई, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। देखो भाई, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी जो चीज आएंगी वो क्या होंगी, हमेशा या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन में से कुछ हो सकती है, ठीक है भाई। और मैंने बता दिया, जो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन होंगे वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिख लीजिए, अमृत, अमृत, अमृत वॉज स्टडिंग इंग्लिश एट एजे टुडे, ठीक है भाई। अमृत जो था वो इंग्लिश पढ़ रहा था कहाँ, एजे टुडे में। तो एट यहाँ पे क्या हो गया, एट हो गया प्रीपोजिशन, एट क्या हो गया प्रीपोजिशन भाई, ठीक है, एट क्या हो गया प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद एजे टुडे है ना, किसी भी चीज का नाम मैंने बताया था ना, नाउन वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, बस हल्का आपको पता होना चाहिए। तो इतना चीजें तो पढ़ी ही होंगी आपने, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो ये एज टुडे क्या हो गया, कोई भी चीज हो गई, तो ये क्या हो गया, नाउन भाई। तो इस तरह से जो ये बन गया, जो नाउन है एज टुडे, ये क्या बन गया एक्चुअली में, ये बन गया आपका प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लगे वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई है ना भाई, बहुत बड़ा रोल है और जरूरी। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम थोड़ा डीप डीप जाते रहेंगे तो अभी आपको बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई, अमृत वॉज स्टडिंग, क्या पढ़ रहा था, पहले स्टडिंग, अमृत पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था तो काम क्या कर रहा था, काम क्या हुआ, तो स्टडिंग, पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था, तो ये मेन वर्ब बनी। मेन वर्ब से पहले जो आएगी वो आएगी हेल्पिंग वर्ब। और कौन कर रहा था भाई, पढ़ना का काम कौन कर रहा था, अमृत कर रहा था, तो अमृत हो गया डूअर, और डूअर हो गया हमारा सब्जेक्ट। भाई समझ के रखना, जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और ये आपके जब आप परफेक्ट, सॉरी आप पढ़ रहे क्या, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा आपकी सेंस का काम करेगा, तो इसलिए अभी से जरा सा ध्यान से रखें। तो स्टडिंग व्हाट, अगर मैं पूछूं कि क्या पढ़ रहा था व्हाट, तो आपका आंसर आया कि सर इंग्लिश पढ़ रहा था, तो इंग्लिश क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया इंग्लिश, क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपकी। अब देखिए भाई दोस्तों, यहाँ तक अभी मैं सिर्फ ये ट्रायल वर्जन बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को इसी तरह अच्छे से इंग्लिश पढ़ाऊँ, ठीक है ना, मैं एक और वीडियो डाल दूंगा ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच। अभी पार्ट ऑफ स्पीच खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे
प्रोनाउन पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट्स देखनी है कि प्रीपोजिशन एक्चुअली में है क्या, थोड़ा बहुत देखना है। ऐसे नहीं देखना कि हम पढ़ नहीं रहे, अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या क्या यूज करते हैं बोलने चलने में, ठीक है ना, जैसे नाउन का यूज हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आपका क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन का यूज हो गया, प्रोनाउन का यूज होगा, कंजक्शन का यूज हो रहा है। तो बस ये जो बेसिकली बेसिकली जो पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, और एज सुन हम जब पार्ट ऑफ स्पीच से ओवर हो जाएंगे तो हम जाके क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँ, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए क्या करूंगा, इंग्लिश की वीडियोज डालूंगा। उससे क्या होगा, थोड़ी सी जो जीएस की वीडियोज आ रही है वो थोड़ा लेट होंगी, लेकिन ये जस्ट अप टू यू। आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप चाहते क्या हो कि मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊं या लेफ्ट कर दूं, तो प्लीज कमेंट करिए वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना। ये वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करिए कि मैं आपको पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट जरूर करेगा, उसी के रिस्पॉन्स में आगे वीडियोज बनाऊंगा।